लोग आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। हमें टीम लड़ाई देखती है, सीबीआई और ईडी नहीं लड़ती। ईडी को बुलाने के बाद जेएमएम की जनता से यहाँ पर जुट रहे हैं, मुक्ति मोर्चा कांग्रेस इनसे कितना भीड़ है और जानेंगे की क्या कहना चाहते हैं, क्या बताइए क्यों आए, आपको पता है मतलब जो सरकार की योजना है उसको चलने नहीं दिया जा रहा है, उसको हम लोग इसके लिए हम लोग मांग करने के लिए ईडी को बुलाया, ईडी को बुलावा दिया है, उस पर क्या कहिए, ईडी को बुला के क्या करेगा, हम लोग झारखंडी नीचे को चलने नहीं दे रहा है और उसके बाद में ईडी को बुलाने से क्या फायदा होगा, हम लोग इसके लिए लड़ाई के लिए हम लोग जुलूस लेके आए कहाँ से, कुटमा कछार, हम सिमडेगा जिला कुटमा कछार से। क्या बोला गया है, झारखंड का लड़ाई के लिए हम लोग बुलाए, तो ये लोग झारखंड के लड़ाई के लिए आए, तो ये बोला गया, आप बताइए क्या चीज के लिए आप आए, पहले ये बताइए। हमारे राज्य की जो अच्छा सरकार जो चला रही है उस सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति कर रहा है, उस पर हम लोग इनको अपना समर्थन और अपना बहुमत अपना ताकत दिखाने के लिए आए हैं, जिन्होंने इन्हें ईडी सीबीआई का क्या जरूरत है, लोकतंत्र का ये सब हनन है, ये जो झारखंड की सरकार है जो अच्छा काम कर रही है, झारखंड की जो स्थानीय का नीति है उसको लाई है, झारखंड का हक और अधिकार को दिलाने का काम कर रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को आक्रोश है, उन्होंने हमारे बीच में राजनीति करना चाह रही है, इसका राजनीति को हम लोग कभी सफल नहीं होने देंगे, यही हम लोग का लक्ष्य है। ईडी कार्यालय में सवालों का बौछार हो रहा, उस पे क्या कहिए, ये सब देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है ना, वो जब जब जहाँ जहाँ कमजोर पड़ता है वहाँ वहाँ पर मतलब हमारे जो मंत्री जी हैं उनको कमजोर करने के लिए साजिश के बाद सारा चीज करता है, और हम सब झारखंडियों इसको कभी भी सफल होने नहीं देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कार्यकर्ता में कितना गुस्सा है, और मुख्यमंत्री जो इनके अपने मुख्यमंत्री जो अपने अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।